जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं नोटों की बारिश की दुर्लभ सात्विक साधना विधान के विषय में बताने जा रहा हूँ। इस तरह की क्रिया अधिकांशतः तामसिक शक्तियाँ ही करती हैं और बदले में भोग स्वरूप वो सामान्य वो असहज तामसिक वस्तुओं की मांग करती है। लेकिन मैं नोटों की बारिश के लिए एक सात्विक शक्ति का साधना विधान बता रहा हूँ। इस सात्विक साधना में सात्विक जिन्नात के माध्यम से यह क्रिया संपन्न होती है। इसका आहार या भोग सात्विक है। इस शक्ति को अच्छे स्वादिष्ट सात्विक भोजन की प्राप्ति होने पर प्रसन्न होकर यह नोटों की बारिश करती है। यह शक्ति जितनी ज़्यादा प्रसन्न होती है उतनी ही ज़्यादा मात्रा में नोटों की बारिश करती है। यह साधक का शक्ति के प्रति समर्पण भाव और भोग या भेंट में अर्पण किए गए वस्तुओं पर निर्भर करता है। यह एक पूर्ण परीक्षित साधना है। इस साधना का विधान कुछ इस प्रकार है। इस साधना को पुष्य नक्षत्र की रात्रि या पूर्णिमा की रात्रि में रात्रि 12 बजे से करनी है। इस साधना को आप अपने घर में या घर से बाहर कहीं एकांत व सुनसान जगह में कर सकते हैं। एक बिल्कुल खाली साफ व स्वच्छ कमरे में इस साधना को करनी है। कमरे को अच्छी तरह साफ व स्वच्छ कर लेना है। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ व स्वच्छ धुले हुए पीले वस्त्र धारण करना है। कमरे में गुलाब का इत्र का अच्छी तरह से छिड़काव कर देना है। साधना में दिशा उत्तर की ओर रहेगी। उत्तर की दिशा में लकड़ी की चौकी पर नया चमकीला लाल वस्त्र बिछाना है। एक थाली में 5 पानी वाला साबुत नारियल को सिंदूर से अभिषेक कर रखना है। दूसरी थाली में खीर और पूड़ी एवं 5 प्रकार के फल वो 5 प्रकार की सफ़ेद मिठाई दूध से बनी हुई फलों को भी सिंदूर से अभिषेक कर अर्पित करना है। 11 सफ़ेद बताशे एवं 1 थाली में 11 साबुत बंगला पान के पत्ते और 11 सुपारी और 11 लौंग साबुत अर्पित करना है। सुपारी एवं लौंग को प्रत्येक पान के पत्ते पर रखना है। फिर एक थाली में 11 हरे नींबू बिना दाग धब्बे वाले सिंदूर से अभिषेक कर अर्पित करना है। एक थाली में सफ़ेद अरवा चावल को हल्दी से रंग कर पीली चावल भी अर्पित करना है। इसके बाद मिट्टी के 5 नए दीपक को गाय के शुद्ध घी से प्रज्वलित कर सभी दीपक की लौ को उत्तर मुख रखना है। पमलोबान की धूप एवं गुलाब की सुगंधित अगरबत्ती जलानी है। गुलाब के पुष्प से चौकी को अच्छी तरह सजा लेना है एवं एक गुलाब की इत्र की शीशी भी अर्पित करनी है। अपने कपड़ों पर भी गुलाब का इत्र छिड़क लेना है। शरीर बंधन और रक्षा घेरा लगा लेना है। इसके उपरांत बिना किसी माला के इस विशेष सिद्ध मंत्र को सिर्फ 321 बार पढ़ना है। इससे शक्ति का आह्वान हो जाएगा एवं शक्ति के प्रत्यक्ष होने पर उन्हें सभी भोग सामग्री अर्पित कर भोग ग्रहण करने को कहें। अपने सामने चौकी के बगल में नया सफ़ेद रंग का चमकीला बड़ा सा वस्त्र बिछा कर रखना है। शक्ति भोग ग्रहण करने के पश्चात प्रसन्न होकर स्वयं ही उसी कमरे में बिछाए हुए सफ़ेद चमकीले वस्त्र पर नोटों की बारिश करती है। शक्ति जितनी ज़्यादा प्रसन्न होगी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में नोटों की बारिश करेगी। साधना के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है एवं साफ व स्वच्छ पवित्र रहना है। अपने कपड़ों पर खुशबूदार गुलाब का इत्र लगाकर रहना है। मूत्र विसर्जन बैठकर करना है और मूत्र विसर्जन के बाद अस्तंजा यानी अपने गुप्तांग को पानी से धो लेना है। साधना समय पीले वस्त्र धारण करने हैं और आसन लाल या पीले रंग का चमकीला आसन लेना है या लाल या पीले चमकीले वस्त्र बिछाकर इस पर भी बैठकर मंत्र जप कर सकते हैं। जिस भी साधक को यह साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर मूल मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की साधना सामग्री संस्कारित माला रक्षा तंत्र ग्रह तंत्र ज्योतिषीय विश्लेषण शक्ति ट्रांसफर
एवं सामान्य और असाध्य रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आदेश।